हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टूल के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। आज हम बात करेंगे रैम लाइव रैम फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये वीडियो आपके लिए क्यों हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, कई बार आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि अगर कोई भी क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो उसकी जो डिवाइसेस होती हैं, डिवाइसेस की अगर हम बात करें लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल्स, अगर इस तरह की डिवाइसेस हाथ लगती हैं तो उनसे जो लॉ एजेंसीज होती हैं सबूत कलेक्ट करने की कोशिश करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो क्रिमिनल्स हैं उन सबूतों को, जो भी सबूत हैं वो मिटा देते हैं, और ऐसी कंडीशन में उन सबूतों को निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। तो कैसे लॉ एजेंसीज वो सबूतों का जो रिकॉर्ड है वो तैयार करती हैं, कैसे मतलब डिलीट हुई चीज़ें या जो भी इन्वेस्टिगेशन का काम है उस काम को किस तरह से वो अंजाम देती हैं, ये सब हम आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकल जानेंगे। इवन एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, या अगर हम बात करें या एथिकल हैकिंग की फील्ड में अगर हम बात करें, या फिर पर्सनली अगर हम बात करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि पर्सनली भी अगर आपको कहीं भी किसी भी कंप्यूटर से डेटा एनालाइजिंग करना हो और उसकी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करनी हो, कई क्योंकि हमने बोला कि कई बार जो सबूत हैं उन्हें मिटा दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप रैम की मदद से लाइव फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहें। इन सब के अलावा ये जो पूरी प्लेलिस्ट है, यहाँ सभी लोगों के काम की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो लोग एथिकल हैकिंग फील्ड में शुरुआत करना चाहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ यहाँ पे सीरियल वाइज और क्लास वाइज मैंने दिए हुए हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं आज के टूल की। ये जो टूल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं इस टूल के बारे में बात। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे रैम कैप्चर टूल के बारे में। तो ये जो टूल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बाकी 64 और 32 बिट दोनों के लिए ये आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आपको रन करते टाइम करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो रैम का जो डेटा है एक तरह से उसका जो कैप्चरिंग है ये कैप्चर कर लेगा उसे, जितना भी ओवरऑल मैक्सिमम टेम्प फाइल होंगी या हिस्ट्री फाइल होगी, तो जो भी आपकी फिजिकल मेमोरी का पेज साइज है उसके अकॉर्डिंग ये जो इन्फॉर्मेशन है उसे कर लेगा कैप्चर। तो इसमें थोड़ा टाइमिंग लग सकता है, तो डेफिनेटली मैं इसे पॉज कर देता हूँ या थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपका टाइमिंग थोड़ा बच जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें थोड़ा सा टाइमिंग लग सकता है, एंड जैसे ही रैम कैप्चर आपका कंप्लीट हो जाता है, रैम कैप्चर कंप्लीट होने के बाद आपको क्लोज़ कर देना है, क्योंकि ये एक अलग नाम से उस फाइल को सेव कर देगा। आप यहाँ देख सकते हैं जब भी हमने इस फाइल को कैप्चर किया है उसी नाम के साथ, उसी डेट एंड टाइम के साथ ये सेव हो गई। हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जिसका नाम है बेलकसॉफ्ट एविडेंस सेंटर। ये भी आपको इसी के लिए आपको 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। तो आप यह देख सकते हैं बेलकसॉफ्ट फोरेंसिक मेड ईजियर, मतलब इसकी मदद से ये आपको ट्रायल वर्जन भी मिल जाएगा 30 डेज़ के लिए, या फिर आप इसे परचेज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है ज़रूरी है तो, बाकी ट्रायल वर्जन से ही आपका काम चल जाएगा। देन ये भी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइमिंग लेता ही है, मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी जल्दी क्लियर हो जाएँ। एंड आप देख सकते हैं कि इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इससे देखिए इंस्टेंट मैसेंजर एनालिसिस किया जा सकता है, ब्राउज़र, ईमेल, केस मैनेजमेंट, मोबाइल डिवाइस एनालिसिस, यानी इसकी मदद से सभी चीज़ों का आप फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल है, डेस्कटॉप है या लैपटॉप है। तो थोड़ा सा टाइम आप देख सकते हैं, एसक्यूलाइट व्यूअर्स भी इसके अंदर से स्पेशली है, पिक्चर एनालिसिस, जो चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं, जहाँ जहाँ सर्फिंग की है, जो इसने कैप्चर किया है, मतलब उसकी एक तरह से आपकी पेज मेमोरी में रैम की, वो सारा डेटा आप यहाँ से एनालाइजिंग कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं हम इसे, आप देखेंगे कि 30 डेज़ का रिमेनिंग पीरियड है इसका, क्योंकि ट्रायल पे ही है। ओके कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक फ़ाइल कैप्चर की थी, और अभी आप चाहो तो ये पुराना केस हमें दिखा रहा है, न्यू केस जो हमें दिखा रहा है ये पुराना ही था, अभी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, आप चाहें तो उसे डिलीट कर दें। तो चलिए मैं यहाँ, ये मेरे एक कलीग हैं उनका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ हम लिख देते हैं MEH, और उसके बाद देखिए आपका एक न्यू केस हम बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि डिटेल वाइज रिकॉर्ड जो लॉ एजेंसीज होती हैं वो किस तरह से बनाती हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया है MEH, और MEH लिखने के बाद हम कर देते हैं क्रिएट वाले ऑप्शंस पे कर देते हैं क्लिक। इसमें थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा, एंड ये जो केस है ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पे केस का मतलब है कि आप पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये फाइल अगर आपके पास कैप्चर्ड है पहले से ही, तो भी आप किसी भी कंप्यूटर पे ले जाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रैम कैप्चर वाला
टूल है, बहुत छोटा सा टूल होता है, किसी भी पीसी पे आप आसानी से चला सकते हैं। तो क्रिएट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, अगर आपके पास डिस्क इमेज है, ड्राइव है, मोबाइल इमेज है, किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम रैम इमेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी कि कंप्यूटर में किस लोकेशन पर वो जो है आपकी रैम इमेज है वो कहाँ पे है। तो देख, रैम इमेज पे मैंने क्लिक किया है, और उसके बाद यहाँ देखिए साइड में ब्राउज करना पड़ेगा, जो लोकेशन है आपके कंप्यूटर में वहाँ से वो फाइल सेलेक्ट कर लीजिए जो आपने कैप्चर की थी। तो हमने ये फाइल कैप्चर की थी, ओके, हम इसे कर देते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे इस जितनी भी फाइलें हैं, जिस तरह के डेटा को ये कैप्चर कर सकता है, एनालाइजिंग कर सकता है, तो वो सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे हैं, ब्राउजर्स, चैट्स, क्लाउड सर्विस, मेल्स, P2P, पेमेंट सिस्टम, पिक्चर वगैरह सारी चीज़ें। तो हम इसे कर देते हैं नो, हम कोई दूसरा डेटा सोर्स ऐड नहीं करना चाहते। इसके बाद आप राइट कॉर्नर्स में यहाँ देख सकते हैं कि वो जो प्रोसेसिंग है वो चल रही है। इसमें टाइमिंग लगता है क्योंकि ये जो रैम से हमने डेटा कैप्चर किया था अप्रॉक्स 5-6 GB का था, तो इसमें थोड़ा टाइमिंग लगता है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं, और वेट करने के बाद ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, और आप देखेंगे कि पूरा डिटेल जो रिकॉर्ड है ये आपको यहाँ पे शो करा देगा। सो लेट अस वेट। जैसा कि मैंने कहा कि दोनों सॉफ्टवेयर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ देख सकते हैं। एंड लेट मी चेक, मैं इसे पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा टाइमिंग लग सकता है, एंड इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। तो उसके बाद देखेंगे ये रिकॉर्ड हमें पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे एक देख सकते हैं, ब्राउज़र, चैट, कॉन्टैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, मेल्स। तो मतलब रैम से जो भी डेटा एनालिसिस किया है इसने, रैम जो हमने कैप्चर किया था डेटा, और जो इसने एनालिसिस किया है, वो पूरा रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। एंड आफ्टर देन आप देख सकते हैं डैशबोर्ड है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, URLs जहाँ भी सर्फिंग की गई है, लास्ट विजिट टाइम वगैरह, ये सारी चीज़ें दिखाता है। क्योंकि हमने पूरा कैप्चर नहीं किया है तो इस वजह से थोड़ा हो सकता है, बट ये सारी चीज़ें दिखाएगा। लास्ट टाइम कब विजिट किया गया था, क्या टाइमिंग था, किस वेबसाइट को किया गया, और मतलब उससे रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी। सबके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि टाइमलाइंस वगैरह। तो ये तो रहा URLs के बारे में। URLs के बाद आपको देखिए हैक्स में भी ये रिजल्ट दिखाता है। हैक्स का फ़ायदा थोड़ा ये होता है कि मान लीजिए कंप्यूटर से कोई भी अटैक किया गया है, जैसे कि SQL इंजेक्शन अटैक हो गया, क्योंकि इसमें SQLite का स्पेशल डेटाबेस के लिए एक ऑप्शन पड़ा हुआ है, या फिर और दूसरी तरह के अटैक्स हो गए, तो हैक्स वैल्यूज से आसानी से आपको मिल जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स, मेल्स, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। इवन मान लीजिए डिलीट भी कर दी जाए तो उस कंडीशन में भी टेम्प्रेरी जो मेमोरी है वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको दिखा देगा। तो इस तरह से कोई भी जो लॉ एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्मेंट हैं, वो इस तरह के जो रिकॉर्ड है उसी एक पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इस तरह के सॉफ्टवेयर्स की मदद से बना के आपको देते हैं। तो ये था मतलब एक पूरा प्रोसेस की कैसे करें। इन सब के अलावा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ आगे, आप यहाँ देख सकते हैं दोनों रिकॉर्ड हैं, पुराने वाला भी और नया वाला भी रिकॉर्ड ये हमें दिखा रहा है जो हमने MEH के नाम से बनाया था। पुराना रिकॉर्ड भी सेव है, तो इसमें रिकॉर्ड भी आपका सेव रहता है। और यहाँ क्योंकि ज़्यादा रिकॉर्ड आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमने जस्ट बीच में क्लोज कर दिया था उसे, बहुत नॉर्मल सी शुरुआत जस्ट हमने की थी। तो ब्राउजिंग में 2726 इसमें URLs वगैरह हैं और बाकी सारी चीज़ें। इन सब के अलावा आप फाइल एडिट व्यूअर टूल्स पे जाके भी नया केस अगर आपको अपलोड करना है, या फिर मान लीजिए ये बहुत सारे फीचर्स हैं, हैक्स वैल्यूज़ देखनी है, हैक्स व्यूअर पे जा सकते हैं। SQLite व्यूअर है जो कि स्पेशल SQL डेटाबेस के लिए बनाया गया है, तो मतलब काफ़ी बेहतरीन ये टूल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि किस तरह से लॉ एजेंसीज अपना सिस्टमेटिक डिटेल तैयार करती हैं और रैम जैसे डेटा से इन्फॉर्मेशन निकालती हैं, ये आपकी समझ में आ चुका होगा कि ये जो वर्क है किस तरह से किया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।